राम राम दोस्तों, स्वागत है मेरे नए ब्लॉग में। अभी सुबह का 8 बज गया भाई, और हम लोग यहीं पे आ गए धूलागढ़ पार्किंग में, जहां हमारा गाड़ी कल लगा हुआ था वहीं पे लगा दिए हैं। 2 बजे रात में ही गार्ड साहब आए थे, गाड़ी हमारा अनलोड होके भी कलकत्ता के अंदर गए थे। बाली के पास में खाली हुआ था हमारा गाड़ी, और बाली से खाली करके आ गए हम लोग, यहाँ पहुँच गए थे। तो ठीक है दोस्तों, अभी तो यहाँ आ गए हैं। अब 10 बजे के बाद ही ऑफिस में फ़ोन वगैरह करेंगे, कहें का तब प्रोग्राम मिलेगा। तो अभी तो साहब लोग भी कोई नहीं आया होगा, हमारा मुंशी मैनेजर भी। अब जब वो आएंगे वो लोग, उसके बाद में फ़ोन करते हैं, फिर प्रोग्राम लेते हैं। जहाँ जाना होगा जाना होगा, तब तक खाना वगैरह हम लोग बना लेते हैं। तो ठीक है भाई, अभी मुनाजिर भाई को भेजते हैं मार्केट। यहीं पे बगल में मार्केट है, धूलागढ़ मार्केट, वहीं से सब्जी वगैरह कुछ लेके आएंगे, उसके बाद में हमारा खाना बनेगा। तो भाइयों, अभी सुबह का 10 बज गया है, और मुनाजिर भाई मार्केट से आ गए हैं सब्जी लेके। तो आज हमारा हरा भरा सब्जी बन रहा है जी। मुनाजिर भाई, क्या सब्जी आज बन रहा है, थोड़ा दिखाइए। वाह, ये क्या पोरवा का साग है ना जी? हाँ। आजकल मुनाजिर भाई हरा सब्जी पे ज्यादा जोर दे दिए हैं भाई। बोल रहे हैं कि अभी थोड़ा हरा सब्जी, गर्मी का दिन आ गया इसलिए हरा सब्जी थोड़ा ज्यादा खाना है। चलिए, तो हमारा इधर चावल चढ़ गया सिस्टम में गैस पर, और सब्जी का भी तैयारी हो रहा है। तो दोस्तों, अभी देखिए हमारा चावल उधर बन गया है, और इधर में सब्जी बनाने का तैयारी कर रहे हैं भाई। लाए थे तो सब्जी बनाने के लिए, लेकिन अब प्रोग्राम हो गया है चेंज। तो ये जो हम लोग इसको गांव में पोरवा बोलते हैं, पोरवा का साग, तो इसको सोच रहे ना साग बनाएंगे। और इसका जो डंटी था ये मोटा मोटा बहुत ज्यादा है, इसका हम इसको बीच से काट के और इसका बढ़िया से भुजिया बना लेंगे। तो आज का हमारा यही रहेगा, साग भात और भुजिया। तो इसको पहले अब देखिए बढ़िया से काट लिए हैं, छोटा ऊपर से छील लिए हैं। अब चलिए इसको 4 टुकड़ा करके उसके बाद में भूनने का तैयारी करेंगे। ठीक है दोस्तों, बने रहिए वीडियो में। आओ नजदीक। तो भाई अभी देखिए हमारा भुजिया का आइटम बढ़िया से काट लिए हैं इसको, और इधर साग तैयार हो गया है। तो साग इसको पहले भूज कर निकाल लेंगे कढ़ाई में, उसके बाद में साग बनाएंगे। तो पहले इसका तैयारी करते हैं भाई। तो अब तेल गरम हो गया हमारा, डालते हैं इसमें, डालने जा रहे थे जी, देखिए गड़बड़ा जाता। इसमें डालते हैं लहसुन और मिर्चा। डाल देंगे प्याज, आ गया है। अब इसमें डालते हैं मसाला, और टमाटर भी काट के डाल दिए हैं इसमें, साथ में मसाला के साथ में भून जाएगा। क्या बन रहा है इसका? Thank you.
तो दोस्तों हमारा देखिए भुंजिया एकदम बिल्कुल तैयार हो गया है। आप लोगों को तो पता ही है हमको कुछ नया नया करने का शौक रहता है, तो आज हम पहली बार एक गाड़ी में बनाए हैं इसका सब्जी। सब्जी बोलिए, भुंजिया बोलिए, देखने में तो बहुत मस्त लग रहा है भाई। तो साग हमारा देखिए बहुत अच्छा से सीझ गया, इसमें पानी छोड़ दिया था और पानी बिल्कुल सूख गया है। तो अब इसको फ्राई करना पड़ेगा। इसको पहले हम कढ़ाई से बाहर निकाल लेते हैं। दोस्तों अभी दोपहर का 12:30 बज गया है और खाना हमारा देखिए रेडी हो गया है भाई। ये साग और ये उसी का भुंजिया है और अचार, साउथ का अचार है लहसुन का। चलिए टेस्ट किया जाए खाना। प्योर शाकाहारी खाना बना है भाई, एकदम साग और चावल। भाइयों अभी रात का 8 बज गया है और खाना भी हमारा रेडी हो गया, आप लोग देख सकते हैं। आज शॉर्टकट में ही खाना बनाए थे हम लोग, सेवई और रोटी। तो दोस्तों अभी रात का बज गया 10:30 और खाना वगैरह हमारा हो गया है और खर्चा भी हमारा आ गया भैया। तो हमको जाना है खड़गपुर, यहाँ से सुबह 5 बजे यहाँ से निकल जाएंगे। ज्यादा नहीं, मोटा मोटी 100 किलोमीटर होगा जहाँ हमको जाना है। तो ठीक है दोस्तों, ब्लॉग को हम यहीं पे एंड करते हैं। मिलते हैं मेरे अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए नमस्कार और जय हिंद भाइयों।